नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है टॉपिक हमारा है मैथ का द्विघात समीकरण से। आज द्विघात समीकरण समझने के बाद आपको गुणनखंड समझ में आ जाएगा और x की वैल्यू पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। तो आइए देखिए, आज क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 के गुणनखंड ज्ञात करें कि इसका गुणनखंड क्या है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और माइनस ये 56 है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम। तो सर्वप्रथम इसका हम क्या करेंगे कि 56 का ऐसा दो खंड करेंगे कि इसको जोड़ने पर कितना, माइनस करने पर कितना आ जाए, x आ जाए। सबसे पहले तो ये शुरुआत करेंगे कि x के पहले यहाँ क्या है, तो कुछ नहीं है, एक है। यहाँ इसका गुणांक है तो यहाँ भी गुणांक इसका है, एक है। तो सबसे पहले ये 56 का एक में गुणा करते हैं कि 56 रह जाता है, इसलिए अगर यहाँ कुछ नहीं लगा है तो यहाँ एक मानते हैं, इसलिए यहाँ 56 का दो फैक्टर करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, तो आप देखेंगे 8 साथे क्या होगा, 56 होगा। सबसे पहले 8 साथे 56, लेकिन ये प्लस में एक मान आने के लिए, तो बड़ा वाले के लिए प्लस और छोटा वाला के लिए माइनस। आप क्या करते हैं कि 8 में से अगर 7 घटाएंगे तो ये प्लस एक आएगा, जो प्लस होगा। लेकिन गुणा करने पे कितना आना चाहिए, तो गुणा करने पे आपको माइनस आना चाहिए। आप ये भी जानते हैं प्लस का अगर माइनस में गुणा होता है तो ये क्या होता है, तो माइनस होता है। माइनस में माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, ये प्लस होता है। अब प्लस में प्लस का अगर गुणा होगा तो ये क्या होगा, ये भी प्लस होगा। और यहाँ देखेंगे माइनस गुणे अगर हम प्लस करेंगे तब भी क्या, माइनस होगा। एक चीज ये समझ में आ रहा है कि सेम साइन दिया है तो इसका गुणा कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है, यहाँ भी सेम साइन है तो इसका प्लस हो रहा है। इसका मतलब अलग अलग साइन का मल्टीप्लाई करने पर वो माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब आप इतना समझ गए हैं कि ये क्या है, तो ये प्लस 8 और 7 है। तो 8 साथे 56 होगा, प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस भी हो जाएगा, 8 में से 7 कम करेंगे तो ये प्लस 1 दिखाई दे रहा। तो आपका गुणनखंड क्या होगा, तो ये बन गया आपका, अगर गुणनखंड कहेगा तो आप देख सकते हैं कि गुणनखंड कहेगा तो इसका मान जो होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, x प्लस 8 लिख देना है और इसमें लिख देना है x माइनस 7, यही इसका गुणनखंड होगा। अगर इसमें x की वैल्यू कहता है कि x की वैल्यू क्या होगा, तो ये प्लस साइन दिया है इसका उल्टा क्या लिख लेंगे, माइनस। या ये माइनस में दिया है तो इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, प्लस में 7, यही इसका आंसर होगा। जो कि इसका आंसर जो है एक्स प्लस 8 और एक्स माइनस 7, जो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको ये क्लास समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 19, अब 19x + 90 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 90 बराबर 0, ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है। तो 90 का ऐसा फैक्टर हम करें कि ऐड करने पे कितना हो जाए, 19 हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि 10 में अगर 9 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 90 होगा। लेकिन प्लस लाना है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस करेंगे तो दोनों ऐड करेंगे तो 90 हो गया। आपका इसमें कह रहा है कि तो एक्स का मान क्या है, तो एक्स की वैल्यू अगर पूछेगा तो आप समझ सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो ये प्लस दिया है तो माइनस 10 आया, आइए माइनस यहाँ लगा लेंगे 9, साइन बदल कर इसका रिजल्ट करेंगे। अगर आपका गुणनखंड कहता है कि गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड जो देखा जाए तो यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 10 हो जाएगा और x प्लस कितना होगा, 9 हो जाएगा। बिल्कुल क्यों हो जाएगा ये माइनस, इसका भी रीजन आप समझ सकते हैं। अगर हम x
ये माइनस 10 होगा। इसी प्रकार अगर x प्लस 9 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 9 होगा और माइनस 10 होगा, इसलिए माइनस 10 और माइनस 9। जब भी ये प्लस आएगा तो उसको माइनस में, अगर माइनस आएगा तो प्लस में x की वैल्यू का जगह देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसका जो कि आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 30। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 30 बराबर कुछ नहीं है, ये गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका भी गुणनखंड, ये कौन सी वैल्यू है कि इसका गुणा करने पर माइनस साइन हो। तो हम कहेंगे कि यहाँ 6 × 5 गुणा करेंगे तो 6 × 5 30 होगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, यहाँ क्या है, एक है, तो 6 में से अगर 5 घटा देंगे, इसको प्लस रखेंगे, इसको माइनस, तो प्लस में से माइनस निकालेंगे तो प्लस 1 बच जाएगा। अब गुणा अगर प्लस और माइनस का करेंगे गुणा, तो माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस, ये भी दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसका हमारा क्या कह रहा है, गुणनखंड कह रहा है। तो गुणनखंड में देखा जाए कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड देखेंगे तो ये लगा लेंगे एक्स और प्लस 6 और दूसरे नंबर में एक्स माइनस 5, जो कि इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगर इसका x की मान कहेगा कि x की वैल्यू क्या होगा, तो ये प्लस 6 है तो माइनस 6, और देखेंगे इसका माइनस 5 है तो प्लस 5 करके इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, उसका भी चर्चा करते हैं। अभी तो x में कुछ गुणांक नहीं था, अगर इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए ये 30 का 30 हम क्या किए कि इसका फैक्टर किए। अगर यहाँ कुछ होगा तो इससे गुणा करना पड़ेगा, तब उसका फैक्टर करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो वो भी देखेंगे कि वो क्या है। अगला क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3। क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3। अब देखेंगे तो यहाँ जो है 2 का और 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा, 2 × 3 = 6 होगा। ये 6 का 2 खंड हम करेंगे कि 5 आ जाए, ऐड करने का कितना आए, 5 आए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 5 6 आए, गुणा करने पे कितना हो, 6 हो, ऐड करने पर 5 हो, तो ये 3 × 2 कितना होगा, 6। तो ये देखेंगे जोड़ने पर -5, तो -3 और -2 को अगर हम प्लस कर देंगे इन दोनों को, तो -5 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि इसका गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ गुणनखंड देखेंगे तो क्या होगा गुणनखंड इसका, तो गुणनखंड x और -3 और दूसरे में x -2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा इसमें दिया है कि 3 × 2 = 6, x - 1 x + 3 और x + 2 x - 3। तो इसमें देखा गया कि ये तो सही है, लेकिन एक चीज और इसमें देखेंगे कि यहाँ 2 है ना, पहले अगर कोई वैल्यू आता था तो उसका नहीं लगाते थे, यहाँ 2 है, तो जब 2 है 1 रहता था तो इसमें भाग देते थे तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ 2 है तो 2 का इसमें भी भाग दे देंगे और 2 का इसमें भी भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस है, आइए 2 का भाग देंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो अब गुणनखंड यहाँ से देखेंगे तो गुणनखंड में ये आ जाएगा एक्स माइनस 3/2 और एक्स माइनस ये क्या होगा, -1 होगा। तो इसमें गुणनखंड देखा गया तो पहला ऑप्शन इसमें ये वाला मिल रहा है, तो इसलिए पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगर आपसे वैल्यू पूछेगा कि x का मान क्या होगा, तो x का मान आप बता सकते हैं, ये माइनस में है तो प्लस हम बता सकते हैं 3/2, और ये माइनस में है तो प्लस बता सकते हैं क्या होगा, 1 होगा, ये x की वैल्यू है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन तरह तरह के हैं, इसलिए आपको हर तरीके के क्वेश्चन होना भी चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो हम क्या करें।
आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 56 के गुणनखंड है, तो आइए देखते हैं वो क्या करने पर 56 आ जाए, किसका किसका गुणा करेंगे। आइए माइनस करना पड़ेगा तो प्लस 10 आना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि 14 को 56 होगा, लेकिन प्लस वाला क्या रखेंगे, बड़ा वाला और माइनस छोटा, 14 में से अगर 4 घटा देंगे 10 आ जाएगा। अब इसके क्या पूछ रहा है, गुणनखंड ज्ञात करें, तो गुणनखंड इसका क्या होगा, तो गुणनखंड में कुछ नहीं करना है, और x और प्लस ये क्या है 14 और x माइनस कितना होगा 4 होगा, जो कि इसमें देखा गया x प्लस 14 होगा, x माइनस 4 होगा, जो कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगर x की वैल्यू बढ़ता है तो x इज इक्वल टू इसका साइन बदल कर 14 है तो माइनस 14 हो जाएगा, और ये अगर कहेगा कि ये x की दो वैल्यू आएगी माइनस 14 और इसका अगर साइन बदल दिया जाए तो ये प्लस 4 आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 के गुणनखंड है, तो आइए देखते हैं ये प्लस करेंगे तब जाकर ये कितना होना चाहिए, माइनस 10 होना चाहिए, तो 16 का ऐसा दो खंड करें कि प्लस करने पर 10 हो जाए, तो हम कहेंगे 8 गुना की 16, लेकिन माइनस 10 आना चाहिए, इसलिए माइनस माइनस का साइन लगा देंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। अब माइनस में माइनस का ये गुणा करेंगे तो ये साइन क्या होगा, प्लस का साइन दिखाएगा, बिल्कुल सही है। गुणनखंड कह रहा है तो गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड कह रहा है तो कोई साइन चेंज करने की बात नहीं है, x माइनस 8 हो जाएगा और यही चीज x माइनस 2 इसका गुणनखंड हो जाएगा। यदि x की वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, तो ये माइनस 8 है तो हम प्लस 8 लिखेंगे और ये माइनस 2 है तो इसको हम प्लस 2 लिखेंगे, ये बताएंगे। तो इसलिए गुणनखंड पूछ रहा है तो गुणनखंड x माइनस 8 x माइनस 2 होगा, जो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0 हो तो x का मान क्या है, तो यहाँ x की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या, उसी प्रकार से ये कौन सी वैल्यू है कि जिसका गुणा करने पर माइनस 21 आ जाए, आप जोड़ने पर ये माइनस का साइन जो है घटाने पर क्या आ जाए 4, तो आप कह सकते हैं 7 × 4 होगा, 7 में से 4 निकालेंगे तो घटाने पर 4 आ रहा है, लेकिन 21 होना चाहिए तो ये 7 जो है कि ये माइनस का चिन्ह देना है, बड़ा पे माइनस दे देंगे, आइए प्लस क्या दे देंगे 4, 7 में से 4 माइनस वाला 4 है, ये देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या होगा, ये माइनस 7 है तो हम प्लस 7 लिखेंगे, आइए प्लस 4 है तो इसको माइनस 4 लिखेंगे, यही x का वैल्यू, जो कि इसमें प्लस 7 और माइनस 4 आएगा, 4 में 7 × 21 होगा, सॉरी इस क्वेश्चन में गलती होगा, 7 × 21 होगा तो 1 जो है कि 3 होगा, माइनस 3 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, तो 7 × 21 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर x की वैल्यू जो प्लस 7 होगा और फिर या माइनस 3 होगा, तो ये जो है कि दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगर इसका गुणनखंड कहे तो गुणनखंड भी देख सकते हैं तो कुछ नहीं है, गुणनखंड जैसा साइन रहता है उसी को रख लेंगे, x माइनस 7 और x प्लस 3 रख लेंगे, तो इसका बिल्कुल ये क्या होगा, गुणनखंड। इस प्रकार से मेरा ये आज का क्लास खत्म होता है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास हमारा समझ में आया।